हेलो एंड यू वाचिंग क्लैप ट्रैप, वी बैक अगेन। जैसे कि हमने शुरू किया हुआ था, पहले हमारी सीरीज चल रही थी होमेज फर्नीचर के ऊपर, जो कि लोकेटेड है कीर्ति नगर न्यू दिल्ली में। उसी सीरीज़ का हम एक छोटा सा एपिसोड पेश करेंगे। इस एपिसोड में हम बताएंगे हाइविंग चेयर्स के बारे में। और ये जो स्टोर है, इसकी लोकेशन आपको ऑलरेडी पता है, डिस्क्रिप्शन में वैसे आपको और डिटेल मिल जाएगी। होमेज इज़ पॉपुलरली नोन फॉर सॉफ्ट फर्निशिंग। हमने एक बहुत ही पर्टिकुलर दो चेयर्स एक्चुअली देखी थी। एक येलो वन वाज दी वन ऑफ द बेस्ट वंस। और जब हमने पिछली बार गावा जी से बात की थी, धीरज गावा जी से, तो उसके ऊपर ही बैठ के वो उन्होंने अपना एक इंट्रोडक्शन शूट किया था। हमने ये उसी का फुटेज है जो आप देख रहे हैं। ये हाइविंग चेयर होती है, ये आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, बट मोस्टली ये लिविंग रूम और ड्राॅइंग रूम में बहुत खूबसूरत दिखती हैं। सोफ़ाज की बात भी करेंगे, जल्दी आपको बताएंगे। हाइविंग चेयर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप अपने घर से स्कीम से मैच करा के ले लें। और अभी गावा जी से बात करते हैं कि इनको ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो धीरज जी। हेलो सर। धीरज जी, लास्ट टाइम जो वीडियो किया था ना आप, एक दो एपिसोड पहले, उसमें हमने आपका एक इंट्रोडक्शन शूट किया था। वैसे लिखा है नो फोटोग्राफी है। एक एक्चुअली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वैसे तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट वी फील ब्लेस्ड। हमें अच्छा लगता है कि हम लोगों को परमिशन होती है कि स्टोर में हम शूट कर लें, वीडियोज़ को लोगों को दिखा सकें, प्रोडक्ट लोगों को बता सकें कि क्या क्या अवेलेबल है कहाँ पर। वैसे अदरवाइज नहीं होती है। ये एक ऑनर होता है अपने आप में, हाँ, एक चैनल के लिए एक प्रोडक्ट को रिजनेबल प्राइस पे सब पूरी दुनिया के ऊपर वहाँ पहुँचाना। जी जी, सबसे जी। बड़ी बात यही है कि ठीक है, अगर हम ये ओपन ना करें, वीडियो में ना दें, ना दें कोई भी चीज, तो ये क्या होगा, वही हम इसको 50,000, 60,000, 70,000, फिर नेगोशिएशन, ये जो भी है सब कुछ, तो एक ये जो होगा ना, ये बिल्कुल एक रेट के हिसाब से कस्टमर तक पहुँचेगी बात। जी जी, देखिए जहाँ तक प्राइस का सवाल होता है, वो आपके अपने डिसीजंस होते हैं, लोगों के अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं कि कोई क्या बोलता है, उस पर मैं रिएक्शन भी नहीं देता हूँ। और मुझे लगता है कि इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। माय जॉब इज़ एक्चुअली टू सी द क्वालिटी, और कैसे आप अवेलेबल करा रहे हैं, कौन कौन सी वैरायटी आपके पास अवेलेबल है ना, और आप कस्टमर्स के साथ कैसे डील करते हैं। सबसे बड़ी बात वही है, आपने पूरी दुनिया छोड़ के हमें सिलेक्ट किया या हमारी क्वालिटी को देखा या हमें पहचाना, तो वही सबसे बड़ी चीज है। नहीं, हमारे लिए भी बड़ी बात होती है कि सब कुछ देखा होगा। जी जी, तो काफी उसके बाद हमारा वो आया। आई हैव सीन लॉट ऑफ सिटीज, और इंडिया के बाहर भी मैंने बहुत सारे स्टोर्स देखे हैं, एंड आई डिसाइड कि हर एक को कुछ ना कुछ मिल जाए। इनफैक्ट और ये नो फोटोग्राफी वाली जगह पे भी शूट करने को मिल जाता है मौका, इट्स एन ऑनर, बड़ी अच्छी बात होती है ये। अब एक शिकायत की बात थी कि पिछली बार जब आप बैठे थे तो हमने कुछ हाइविंग्स चेयर्स देखी थी, और जो येलो कलर में थी, उसके बारे में हमने वीडियो नहीं किया। तो वी वॉन्ट टू कवर दैट, क्योंकि अभी हाइविंग्स भी हम चाहते हैं कि मिडिल क्लास के फैमिली में भी वही वो पहुंच सके। बात कहूंगा दोबारा के लोगों ने वीडियो में बहुत अच्छी देख ली, मगर उसका प्राइस था इतना था कि हर आदमी नहीं ले पा रहा था। राइट ठीक है, मगर देख ली के बहुत अच्छी है, अच्छी लग रही है। अब ऑनलाइन चेक करते रहते हैं लोग, देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे है। राइट तो आप वो अवेलेबल कराएंगे क्या? एक कोशिश यही है। अच्छा, जितने प्रोडक्ट्स मैक्सिमम हमारी जगह पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम कमी नहीं है, हमारा डिस्प्ले, हमारा सेटअप, ये जितने जगह बढ़ती जाएगी हम उतने प्रोडक्ट और लॉन्च करते जाएंगे। ओके, तो वो हाई विंग्स का कल्चर हम चाहते हैं कि मिडिल क्लास में भी चला जाए, और उसके लिए आपको जरूरी इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि वो सारे रीजनेबल प्राइस पे मिल जाए। प्राइस के लिए हम जाने जाएंगे हमेशा इन फ्यूचर आगे भी, प्राइस तो इनके बिल्कुल। देखिए आपको ना, हम लोग ऐसे वॉक कराते ले ही आए आखिर विंग चेयर्स पे। दिस इज़ द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये जो है, ये हमारा सबका फेवरेट है, वेरी ब्यूटीफुल पीस, बहुत ही एलिगेंट है। मतलब मैं कोई, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो इसको देखेगा और नहीं लेना चाहेगा। ऑफकोर्स येलो इज़ माई फेवरेट, हो सकता है किसी के और कलर हो। ये बजट के अंदर दिक्कत आ जाती है कि मेरे बजट में नहीं है तो मैं इस कारण नहीं ले पा रहा। राइट, मगर इसको भी हमने बजट में ला दिया। हाँ, तो अब पहले एक इसका प्रोडक्ट डिटेल दे देते हैं कि ये हाइट क्या है, डायमेंशंस बता दीजिए इसके। 5 फीट हाइट है इसकी। अच्छा, दिस इज 5 फीट। ओके, ये हाई विंग होता है, ये अंदर डेप्थ होती है इनमें। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं एक बार, ये जनरली आप अपने बेडरूम या ड्राइंग रूम में डालते हैं इनको। वही कॉन्सेप्ट है, सोफे के साथ डाल सकते हैं, आपने 3-2 लगा लिया, 2 चेयर लगा लो जी, बेडरूम में भी आ गई, गैलरी में भी आ गई, मगर मेन ये है कि ड्राइंग रूम के अंदर और जिनको सेल्फी खींचने का शौक है। दिस इज बिग बॉस चेयर, ओके, तो इन पे बैठ के वो सेल्फियां ले सकते हैं। राइट दिस इज़ कॉल्ड हाइविंग चेयर्स। जगह आपने बता दी कि ये बेडरूम में और ड्राइंग रूम में इस्तेमाल होते हैं। अगर आपका फ्लैट बहुत छोटा है तो आप इसकी थोड़ी हाइट कम कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है इनको बनाने का। दिस इज़ 4-5 फीट, राइट?
5 फीट बताया आपने ये, और जानबूझ के क्योंकि एक रॉयल पर्सोना क्रिएट करता है ये, एक आपको ऐसी पर्सनैलिटी ऐड करता है, आपको बताता है कि इसके ऊपर बैठने वाला आदमी रॉयल है, इसीलिए इसको बहुत कंफर्टेबल देखिए आर्म्स दिए गए जो कि थोड़ा बॉसी लुक देते हैं, यानी आपको दिखाते हैं कि यू आर दी बॉस ऑफ द हाउस। बेसिकली आपको एक फील गुड फैक्टर वाली बात है, फील लाइक अ किंग वाली बात है इसमें, ये है। और ये डबल लेयर नीचे है और सागवान का नीचे आई गेस लेग्स हैं, राइट, टीक वुड का, अच्छा ये सॉलिड वुड है टीक वुड में। और ये येलो है, माई फेवरेट येलो एंड विद बेज, बट ये कस्टमाइज भी किया जा सकता है, ये फ्लोरल में भी अच्छे लगते हैं, है ना। ओके, ये मैंने थोड़ा अपने दिल की बात बोल दी। अब आप बताएं इसके बारे में कि ये जो इसके अंदर बटन सिस्टम है, इसको सरोस्की में भी कुछ लोग बनाते हैं सारे के सारे जी, इसके ग्लास वाले बटन, अभी हमने इसके फैब्रिक वाले बटन लगा दिए हैं, कलरफुल, ये सारी ऑप्शनल है, जितने भी हैं सब हो सकते हैं। अच्छा, ओके, और इसकी लाइफ अच्छी होती है, सोफा की तरह ये भी चलता है। अच्छा, ओके, सीटिंग अच्छी है इसके अंदर, तो इसलिए कोई ऐसी वो नहीं, फोमिंग अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ है, ये कभी भी वॉल के साइड में नहीं होता है, बीच में होता है ये, तो इसका बैक साइड भी इम्पोर्टेंट है, एक बार पीछे बैक साइड देख लें। ओके, ये देखिए इसका बैक साइड, वाओ, बैक साइड से भी ये नीट है, ऐसा नहीं है कि बैक साइड से इसमें कोई और ख़राब कपड़ा लगा दिया हो, है ना। ये वेलवेट है पूरा, सॉफ्ट वेलवेट है, वेरी नाइस लुकिंग, बहुत अच्छा है ये। ओके, इसमें कुछ और ऑप्शन भी हैं आपके पास ऑलरेडी, ये भी वेलवेट है कि कॉटन है ये फ्लोरल में वेलवेट ही है, मगर ये फ्लोरल वाला प्रिंट है इसका। अच्छा, इसके थोड़े लेग्स में फर्क है, ये बिल्कुल ओके ओरिएंटल है। अच्छा, ये ओरिएंटल है, लेग्स इसका ओरिएंटल है नीचे, है ना, आर्म्स वगैरह उसका सेम है डिटो। ओके, थोड़ी शेप का फर्क है इसकी, आर्म्स का भी और इसके विंग्स का भी। ओके, तो अगर आपके पास फ्लोरल अगर सोफा है तो आप प्लेन ले लीजिए, और आपके पास प्लेन सोफ़ा है तो आप ये फ्लोरल ले लीजिए, उल्टा कंट्रास्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा दिखेगा। अब मैटर आता है वो देखिए, शायद कस्टमर का पैक हो गया, जाने के लिए तैयार है। और ये सेट ऑफ टू ही खरीदा जाता है ना हमेशा, सिंगल भी दे सकते हैं, सिंगल भी मिल जाता है, पर जनरली ये मैंने देखा है लोग दो रखते हैं ना, सिंगल भी रख सकते हैं। अब बता दीजिए मुझे कि ये कितने का है। आप मेरे सवाल से पहले बताना नहीं चाहिए आपको वैसे, अच्छा आप एक बार गेस जरूर कीजिए। जनरली हमने जो देखे हैं वो 40,000 के दो या 45,000 ऐसे इस रेंज में हमने देखे। आपको एक मिलेगा, हम आपको दो देंगे जिस प्राइस में, हम लोग 44,000 के आसपास के रेंज में दो देखते थे, 24,800। अच्छा, 24,000 में दो पे सेट ऑफ टू। ओके, क्वालिटी बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये नहीं है कि हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें क्वालिटी कम करेंगे, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। दैट इज व्यूअर्स डिस्क्रिशन, बहुत एक्सपीरियंस है, और क्या क्वालिटी कहाँ पे क्या लगना है ऐसा नहीं है। okay. रेट के कारण कोई ऐसी कमी नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी क्वालिटी ठीक रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह होती है रेट के लिए भी, कहाँ से रेट स्टार्ट होने हैं। ये वो जगह है। ओके, सो यू गेट इट फॉर 20, आई मीन आई एम नॉट, 800 दैट इज प्राइस, इज व्यूअर्स डिस्क्रिशन, आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट। आपने प्राइस अपना बता दिया, विच इज़ वेरी नाइस, प्रोडक्ट अच्छा है, फ्रॉम माई साइड, मेरी तरफ से अच्छा है प्रोडक्ट। और ये 20 रीजनेबल प्राइस में, 24,000 में यू गेट पेयर है ये, और सिंगल भी आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डिलीवरी की, ये भी इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सोफा से कम होता होगा ना, सोफा से वेट कम होता है इसका थोड़ा ज़्यादा, ऑल इंडिया डिलीवरी है इसकी, जीएसटी एंड ऑल इंडिया में हम कुछ सिलेक्टेड शेयर करते हैं, जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन हमें बहुत अच्छी अनटच स्क्रैचलेस डिलीवरी दे रही है, हम उसको प्रेफर कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, ये नहीं है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट कैसी भी, कि सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं है, कि कहीं से भी फोन आया या किसी भी ट्रांसपोर्ट में डाल दी वहाँ पे कोई उसका ब्रेकेज कुछ भी सामान पहुँच रहा है, ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, और अगर अपना ट्रांसपोर्ट कोई अरेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं, अपने ट्रांसपोर्ट में। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस, आपका सेविंग अकाउंट है हम जानते हैं, सॉरी आपका एक करेंट अकाउंट है, हम लोगों को शायद सेविंग की आदत है ना। तो इसलिए शायद सेविंग ही निकलता है हमारे मुँह से। और इसके अलावा पेटीएम वगैरह से भी आप पेमेंट लेते हैं, है ना, आपका डिस्क्रिप्शन हम पूरा डिटेल दे देंगे बाकी, और नंबर स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच गावा जी, थैंक यू वेरी मच।